Assalamualaikum and welcome to another episode of Lezzat. मैं हूँ शारमीन. तो आज मैं बनाऊंगी आपके लिए एक डेंस रिच चॉकलेट लोफ केक. चॉकलेट लोफ केक बेसिकली लोफ टिन में बेक किया जाता है. लोफ टिन यहाँ मेरे पास मौजूद है. आप इसको करेंगे इस टिन में बेक. आपने बेक करना है इसको एट 190 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप बेक करेंगे फर्स्ट 30 मिनट्स यानी 30 मिनट के लिए. उसके बाद आप अवन का टेम्परेचर रिड्यूस कर देंगे टू 170 जो कि 170 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और आप फर्दर बेक करेंगे 15 मिनट और तक. ये केक बिल्कुल हार्ड नहीं हो जाएगा. अगर आप स्क्यूअर डालेंगे ना 15 मिनट बाद राइट इन द सेंटर शायद थोड़ा सा स्पंजी केक निकल के आए बाहर. इट मीन्स इट्स रेडी. मेन चीज़ ये है कि टिन पे आप पेपर लगाएंगे, ग्रीस करेंगे मक्खन के साथ, उसके बाद पेपर लगाएंगे और फिर इसमें बैटर डाल के बेक करेंगे ताकि आप पेपर की मदद से पूरा केक जब ठंडा हो जाए तब आप बाहर निकालेंगे. लेट्स स्टार्ट. इसके लिए 225 ग्राम मक्खन, 225 ग्राम जो कि एक टिक्की होती है, सॉल्टेड बटर मैं यूज़ कर रही हूँ. अगर आप अनसॉल्टेड मक्खन इस्तेमाल करें आप इस रेसिपी में ऐड करेंगे 1/4 चम्मच नमक. नमक से केक नमकीन नहीं हो जाता. लेकिन बेसिकली सॉल्ट एक फ्लेवर इन्हांसर के तौर पे भी इस्तेमाल होता है. नमकीन करने के लिए चीज़ें तो इस्तेमाल होता ही है बट इट्स ऑल्सो अ फ्लेवर इन्हांसर. हम इस्तेमाल कर रहे हैं थोड़ा सा बीट कर लें ताकि ये सॉफ्टन हो जाए. आप इस्तेमाल करेंगे अगर रेगुलर ब्राउन शुगर इस्तेमाल करें क्योंकि उसमें मिठास ज़्यादा होती है. तो आप इस्तेमाल करेंगे क्वांटिटी इसकी आप कम कर देंगे टू 250 ग्राम्स. ठीक है, 325 ग्राम्स अगर डार्क ब्राउन शुगर है वो 250 ग्राम बन जाएगी अगर आप लाइट ब्राउन शुगर यूज़ करें. अगर आप सफ़ेद चीनी इस्तेमाल करें तो मज़ीद कम हो जाएगी बिकॉज मिठास इसकी बैलेंस्ड होनी चाहिए. एक कप होता है 225 ग्राम. अंडा आप कैसे ऐड करेंगे? आप ऐड करेंगे एक एक करके इसमें अंडा एंड यू आर गोइंग टू बीट वेल आफ्टर एवरी एडिशन. लेट्स ऐड दिस डिलिशियस चॉकलेट. और एक्चुअली चॉकलेट के लिए आई थिंक मैं ज़रा मशीन इस्तेमाल करती हूँ ताकि ये एक दफ़ा एक टीस्पून मेजरमेंट वाला टीस्पून लीजिएगा. स्टर करने अब आपने करना क्या है. यहाँ मेरे पास है 225 मिल पानी, उबलता गर्म पानी है. ये 3 एडिशन में कर लीजिए. मैदा ऐड किया, आपने टेक्निक फॉलो करनी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. पानी डालेंगे अब और ये प्रोसेस मैं कंटिन्यू करती रहूँगी जब तक पानी और मैदा सारा इस्तेमाल ना हो जाए. तो अंदर अवन में केक रखा हुआ है. चले जी, केक इज़ बेकिंग. अवन बंद कर देते हैं एंड ये 30 मिनट के लिए 190 डिग्री सेल्सियस पे आप बेक करेंगे. उसके बाद आप टेम्परेचर रिड्यूस कर देंगे टू 170 डिग्रीज सेल्सियस. उसके बाद आप बेक करेंगे फॉर फर्दर 15 मिनट्स एंड आपका केक 15 मिनट आपका केक तैयार. यहाँ 250 ग्राम मैदा, एक चुटकी इसके अंदर गई नमक. इस तरह से आपने एक वेल बना ली सेंटर में. ये आपने डाला एक अंडा, दो अंडे, ठीक है, 3 अंडे चले गए. साथ साथ ग्रेजुअली पहले इसको मैदे के ऊपर डाल दिया. अब आपने लेना है दूध ग्रेजुअली और इसको करना है आपने विल. ये आपका मज़ेदार सा क्रेप का बैटर बिल्कुल तैयार है. मक्खन ड्यूल पर्पस इस्तेमाल करते हैं. आपने ऐड करना है तकरीबन 50 ग्राम मेल्टेड बटर. एक काम करते हैं, यहाँ हमारा क्रेप बैटर बिल्कुल तैयार हो गया है. फ्रेश मशरूम्स इस्तेमाल कीजिए एंड जिन लोगों को वेट लॉस करना है उसके लिए बहुत अच्छे होते हैं. जिनको शुगर कम करना है उनके लिए भी बहुत अच्छे होते हैं. क्योंकि व्हाइट सॉस बन रहा है इसलिए हम विस्क का इस्तेमाल करें. लेकिन 2 टेबलस्पून, मैं इतना बड़ा हीप स्पून इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि 2 टेबलस्पून डालना है मैदा. दूध ऐड करेंगे, जैसे मैदे की खुशबू आने लगे व्हाइट सॉस के लिए आप पहले थोड़ा सा ऐड कीजिए. इवनली इसको मिक्स कर दीजिए ताकि जितना भी मैदा है वो इवनली कम्बाइन हो जाए और कोई लम्प्स ना हो. चले, नमक हसबे जायका. याद रखें अगर मशरूम सॉल्टी हैं तो नमक पे हाथ रोक लीजिएगा. मैं डालूंगी इसमें मोज़रेला एंड चेडर चीज़. लेकिन एक दफ़ा ये व्हाइट सॉस तैयार हो जाए
और शो भी एंड करना है तो इसलिए मैं आपके सामने कंप्लीट करना चाह रही थी। ये देखें इस तरह से आपने क्रेप सिंपल आउट, थोड़ा गर्म है ये वाला, चलिए और ये जो हमारी मज़ेदार सी हमने फिलिंग तैयार की है एंड आप देखें यहाँ कुछ बहुत ही मज़ेदार सा तैयार रखा हुआ है। आप इसको हैंडल नहीं कर सकते, मैंने ओवरनाइट इसको ठंडा किया है हैंडल करने से पहले। केक के ऊपर जरा सी फिनिशिंग कर देते हैं विद अ लिटिल बिट ऑफ कास्टर शुगर जस्ट फॉर अ लिटिल स्नोई इफेक्ट। आप जरूर ये रेसिपीज घर पे ट्राई कीजिए, हमें कॉल कीजिए करके शो में, कोई फरमाइश है, कोई सवालात हैं, कोई कंफ्यूजन है रेसिपी के हवाले से आप हमसे पूछ सकते हैं। टिल नेक्स्ट टाइम मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।